पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा को मैक्सेवन हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें खतरे से बाहर बताया है। बता दें कि आज सुबह संतोष कुशवाहा अपने घर में चक्कर आने से फर्श पर गिर गए थे। इसके बाद लगातार यह खबर आ रही थी कि ब्रेन हेमरेज होने की वजह से सांसद को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं फिलहाल डॉक्टरों और परिजनों ने पुष्टि कर दी है कि सांसद खतरे से बाहर है। फिलहाल उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में हॉस्पिटल में रखा गया है। क्या हालत है? देखिए, इनका जो मॉर्निंग में ये आए थे, हिस्ट्री ऑफ फॉल की हिस्ट्री थी इनकी, बाथरूम में ये स्लिप कर गए थे। उसके बाद इनका सीटी स्कैन हुआ, सीटी स्कैन नॉर्मल आया इनका। उसके बाद हम लोगों ने इनका ज़रूरी एहतियातन MRI कराया, MRI भी इनका नॉर्मल आया है। अभी कॉन्शस हैं, बात भी कर रहे हैं, सारी चीज़ों को समझ भी रहे हैं। थोड़ा सिटेशन दिया गया है ताकि इनको आराम से ये सो सके। और उसके बाद अगर ये सांसद नहीं होते तो इनको हम घर भेजते, क्योंकि सांसद हैं, इनको अच्छी फैसिलिटी प्राप्त है। तो दिल्ली में कम से कम इनको 4-5 दिन जो आराम की ज़रूरत होती है, बट इज कम्प्लीटली आउट ऑफ डेंजर, इनको डेंजर है ही नहीं। कौन से वार्ड में सर रखा है? प्राइवेट वार्ड में है, 203 नंबर। क्या इनके परिजनों को या फिर आम लोगों को देखने की अनुमति है? सर, सब बात करके आएंगे, सभी लोग बात करके, ये शंकर जी उनके बड़े भाई हैं, अभी बात करके आए हैं। हम लोगों से भी अच्छी बातचीत हुई है, बातचीत के क्रम में हम लोगों ने यही नतीजा निकाला है MLA साहब से, DM साहब, सभी लोगों ने, कि अगर अभी इनको जाना है बेटर केयर के लिए, नर्सिंग केयर के लिए, तो हम लोग बेशक, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं, तो आना जाना लोगों का रहेगा, तो रेस्ट के लिहाज से हम लोग इनसे बात करें, ट्रीटमेंट के लिहाज से। कब तक यहाँ से सर निकलेंगे? जैसे लाइनअप पूरा वेदर का है, वहाँ से ले जाएंगे तो एयरलिफ्ट ही होगा, तो उसमें एयरलिफ्ट इसलिए हो रहा है कि जाना है। आज ही जाएंगे सर? जब भी जा सकते हैं, कोई ऐसा हम लोगों की तरफ से ऐसी जल्दबाजी नहीं है। उधर से अगर सब चीज़ लाइनअप सही हो जा रहा है तो चले जाएंगे, ये यहाँ से बागडोगरा जाएंगे, बायरोड ही जाएंगे और बातचीत कर रहे हैं। स्लिप करने से माथे में चोट उनको आई थी और तत्काल उनको मैक्स में भर्ती करवाया गया। हम काफ़ी देर से यहाँ पर हैं, उनसे मिले भी हैं, बात भी कर रहे हैं, और डॉक्टर्स की टीम ने कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, कोई खतरा नहीं है, मेडिकली फिट है, वो फिजिकली फिट हैं, और सारा जांच वगैरह कर लिया गया है, कुछ जांच और है जो किया जा रहा है, लेकिन स्वस्थ हैं, बात कर रहे हैं, मेमोरी अच्छी है, सबका हालचाल भी पूछ रहे हैं। जो मुझे यहाँ जिला पदाधिकारी से जानकारी हुई, माननीय बिहार के सीएम साहब भी स्वास्थ्य के विषय में पूछे हैं और मेडिकली फिट रहें, इसके लिए जो ऊपर से निर्देश है उसके लिए दिल्ली जो है इनको शिफ्ट किया जा सकता है। असली चर्चा सुबह से चल रही है कि इन्हें दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा, तो क्या एयर एम्बुलेंस के थ्रू किया जाएगा, किस तरह? नहीं, एयर एम्बुलेंस अभी जिला पदाधिकारी ने बात किया है मैदान से, और मैदान से क्लियर होने के बाद डोगरा से जो है एयर एम्बुलेंस वहाँ से। स्थिति सामान्य है? लेकिन स्थिति सामान्य है, अच्छी है, बढ़िया है, खूब बढ़िया से बोल रहे हैं, और जो यहाँ के मैनेजमेंट के जो मुकेश जी, उन्होंने कहा सारे डॉक्टरों की राय से और जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके अनुसार ये एकदम फिट है, कहीं कोई तो परेशानी नहीं। फिर दिल्ली शिफ्ट करने की क्यों? इसलिए प्रिकॉशन के दृष्टिकोण से, यहाँ 4-5 दिन जो रहना होगा वहाँ रहेंगे तो और भी अच्छी व्यवस्था रहेगी। सर, सुबह से चर्चा ये भी आ रही है कि हालत नाजुक है, 6 घंटे जो है वो महत्वपूर्ण है, ऐसी कुछ नहीं? कोई ऐसी बात नहीं है, मैं सारा चीज नॉर्मल है, और मुझे डायरेक्टर मुकेश जी ने सारे डॉक्टर जो एक्सपर्ट हैं, जो नीरो के हैं, अन्य हैं, सारे लोगों से रिपोर्ट कलेक्ट करके जो बताई है उनके अनुसार एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूर्णिया के सांसद और संतोष जी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, और अच्छे फिर पूर्ण स्वस्थ होने के बाद उसी तरफ पूर्णिया। कौन से वार्ड में शिफ्ट किया गया है उनको? किस वार्ड में? वो जनरल वार्ड में, ICU में है सर अभी।